छह महीने में 1,240% का रिटर्न, सेंसेक्स 329 अंक और निफ्टी 94 अंक उछला। चंडीगढ़ में शनिवार सुबह मिले 2 कोरोना पॉजिटिव केस, एक 71 वर्षीय महिला 30 सेक्टर से तो दूसरी 31 वर्षीय महिला सेक्टर 46 से। देश भर में नशे की खेप के लिए पहचान रखने वाले पंजाब राज्य में अब नशे के कारोबार पर शिकंजा कसा है। ये हम नहीं कह रहे, ये शुक्रवार को पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक वीडियो जारी कर पंजाब में नशे पर कितनी लगाम कसी गई है उसका विवरण दिया। जरा सुने। नशिया ना देखो, थोनू याद होगा कि मैं दमदमा साहब दे विच अपने बठिंडे च खड़ के रामपुरा फूल सी शायद, और मैं उत्थों दमदमा साहब वाल गुटका चक के कहा सी कि लक तोड़ांगा इस नशे का, और थोनू खुशी होएगी ये सुन के कि असी ये जरूर है कि नशे कितने कितने तक घूमते ने, लेकिन आ देखो किन्ने साढ़े असी ये 3 साल की कुछ कर सके। तकरीबन 37,600 साढ़े FIR NDPS एक्ट के अधीन हो गए ने। साढ़े जड़े बंदे गिरफ्तार हुए ने इस नशिया के 46,800 बंदे गिरफ्तार हुए ने। जड़े बंदे बेचण वाले ने वो 8,300 असी फड़ के उन्होंने 34 ताई है वो जेलों के बैठे ने इस वेले। हेरोइन जो चिट्टा है वो है 1450 किलो असी फड़े, जेड़ा समैक और चरस 400 किलोग्राम असी पकड़े, और अफीम 1600 किलोग्राम असी फड़ी है, और पुकी 1,28,000 किलो असी ये फड़ी है। हुण साडा एक पूरा डिपार्टमेंट इस काम ते लग्या होया है, पूरी पुलिस लगी हुई है, और जितों जितों ये आते ने असी फट पड़ते हैं। हुण इहदे च कुछ लोग ने जिन्हों बड़ी मच्छी कहते हैं बिग फिश बंदे जड़े ये सब कुछ कराते हैं। 3 बंदे तो बाहरले जेलों से, एक तो होंगकोंग दे विच चीनिया ने फड़िया होया, वो तो देंगे नहीं सानू, हुण साढ़े नाल हुण बिगाड़ पैगी, लेकिन उन्होंने जेल च है उत्थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब हरियाणा और पंजाब दोनों पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव पदों पर महिलाओं का दबदबा कायम हुआ है। ये अपने आप में महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी है। शुक्रवार को पंजाब की पहली मुख्य सचिव विनी महाजन ने पद संभाला। विनी महाजन 1987 बेंच की एक IAS ऑफिसर हैं और अभी भी पंजाब सरकार में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव का पदभार संभाल रही हैं। लुधियाना नगर निगम के पालतू कुत्तों और बिल्ली का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया। लुधियाना नगर निगम के मेयर ने बताया रजिस्ट्रेशन के लिए फीस 400 रूपए है। 31 दिसंबर 2020 के बाद बिना रजिस्ट्रेशन पालतू जानवर लेकर घूमते मिलना पर रजिस्ट्रेशन फीस का 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। हरियाणा में निरंतर बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच आज अंबाला जेल प्रशासन की चिंताएं उस वक्त बढ़ गई जब गुरुग्राम से ट्रांसफर होकर आए जेल वार्डर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि जेल के मेडिकल ऑफिसर के निर्देश अनुसार नए आए लोगों को जेल के अलग क्वारंटीन वार्ड में रखा जा रहा है। गुरुग्राम के मॉल्स मालिकों के लिए खुशखबरी, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के साथ अगले सप्ताह से गुरुग्राम में खुलेंगे सभी मॉल। उपायुक्त सोनीपत श्यामलाल पुनिया ने खरखोदा के सभी किसानों व ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि शनिवार शाम तक टिड्डी दल झरझर जिला की सीमा से सोनीपत जिला में खरखोदा की तरफ से प्रवेश कर जाएगा। सभी किसान भाइयों से अपील है कि वे अपने शोर करने के साधन जिसमें ढोल, ड्रम, थाली, DJ व अन्य साधन लेकर अपने अपने खेतों में पहुंचे और टिड्डी दल को अपने खेतों में न बैठने दें। जैसा सोनीपत वासियों, जैसा आपको पता है जो टिड्डी दल है अभी रोहतक इसमें झज्जर और रेवाड़ी के बॉर्डर पे कल रात को था, आज जाटूसाना के आसपास के एरिया में मंडरा रहा है। लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा, 60 लाख के आसपास उसमें लोकल जो टिड्डी हैं वो आ रहे हैं। विंड स्पीड बिल्कुल भी नहीं है, अभी हवा नहीं चल रही, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शाम होते होते खरखोदा के आसपास ये कहीं पर रात को पहुंचेगा, और जैसा कि रात को ये विश्राम करता है तो उस समय मैं सभी किसान भाइयों से, सभी ग्रामवासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी आपके पास में दिन के टाइम में भी आता है जो ड्रम्स हैं आपके गांव में, यदि DJ है उसको करवा लो, ट्रैक्टर का यदि एयर का जो निकाल के जो आवाज़ करता है, तो हमारा जो खरखोदा और झज्जर का जो बॉर्डर है उस पर आप उनको तैनात कर लीजिए। DRO और DDPO के माध्यम से भी हमने आपको सूचना भिजवाई है, DIPR ऑफिस से भी हमने आपको बताया है,
रात के लिए जो केमिकल जो स्प्रे होना है उसके लिए भी डीडीए ऑफिस को बता दिया है, तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।